लोकतंत्र बचाओ मोर्चा ने नगर निगम के खिलाफ कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया। इस मौके पर जिलाधिकारी को 5 सूत्रीय ज्ञापन भी पेश किया गया। वहीं प्रदर्शन के दौरान कहा गया कि नगर निगम बोर्ड का 5 वर्षीय कार्यकाल बेहद विवादित रहा, विकास कार्यों में पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया गया, स्मार्ट सिटी के नाम पर आने वाले पैसे का दुरुपयोग किया गया। शहर मुरादाबाद की सड़कें बेहद खस्ता हाल है, नाले और नालियां जो चौक हो चुकी हैं, जिसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। महानगर में डेंगू का प्रकोप जारी है, लेकिन कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव तक नहीं कराया जा रहा है। अधिकारियों को खुश करने के लिए VIP क्षेत्रों में कीटनाशक दवाई का छिड़काव कराया जाता है, जबकि आम वस्तुओं में कीटनाशक दवाई का छिड़काव नहीं किया जाता है, जिससे लगातार बीमारियों का खतरा बना रहता है। ये लोकतंत्र बचाओ मोर्चा का ये ज्ञापन है, इसमें हम ये कह रहे हैं कि नगर निगम की जो मौजूदा कार्यकारिणी है उसके 5 साल पूरे हो गए हैं और ये शहर स्मार्ट सिटी शहरों के गिनती में गिना जाता है, जिसमें करोड़ों की धनराशि केंद्र सरकार से और करोड़ों की धनराशि राज्य सरकार से आई है। उसका आज जनता हिसाब मांगना चाहती है, क्योंकि इस शहर में हर गली कूचे जो है गड्ढा युक्त है। ये मान के चलो कि ये महापौर के द्वारा दिए गए शहर को एक मौत के पथ है, मौत के पथ का तोहफा दिया है, और उन्होंने इसको जो है ना अटल पथ के नाम से नाम देकर जो है ना माननीय पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी जी का अपमान किया है। यहाँ आए दिन मौतें हो रही हैं, यहाँ गंदगी है, नालियाँ इतनी हैं जिनकी वजह से, गंदगी की वजह से इस शहर में डेंगू और मलेरिया जैसे भयंकर बीमारी फैल रही है, हर रोज मौतें हो रही हैं। यहाँ के जो ठेकेदार हैं वो मनमानी कर रहे हैं, जो मानक अनुसार निर्माण सामग्री लगनी चाहिए वो आज तक कोई निर्माण सामग्री नहीं लगाई गई है, और आए दिन जो है ना गड्ढे होते चले जा रहे हैं। यहाँ जो सीवर लाइन के नाम पर तमाम सड़कें खोदी जा रही हैं, सिस्टम ये है कि जब कोई कंपनी गड्ढा खोदेगी किसी कार्य के लिए उसको उसी तरह से बांध कर सड़क बनाएगी, लेकिन लेकिन नगर निगम आज तक किसी पर कोई नगर निगम ने जो है ना मुआवजा नहीं डाला है, ना क्षतिपूर्ति दी है। कल नगर निगम बोर्ड की जो आखिरी बैठक हुई थी उसके अंदर विपक्ष ने भी 5 वर्षीय कार्यकाल की प्रशंसा की। देखिए एक चमचा युग है, नगर निगम में चमचा युग है, और ये चमचा युग नहीं चलेगा, लोकतंत्र में चमचा युग नहीं चलता है। ये तो चोर चोर मौसेरे भाई हैं, सारे सभासद चोर हैं, इसलिए तारीफ कर रहे हैं विपक्ष के। अब क्या मांगते हैं, उनकी मरम्मत कराकर सफाई कराई जाए और कूड़े करकट की सफाई कराई जाए। 5 साल में जितना जो धनराशि सरकारों के द्वारा आई है उसकी पूरी जांच कराई जाए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, और जो ठेकेदार हैं जिन्होंने जो है मनमानी करके घटिया निर्माण सामग्री लगाई है उनके खिलाफ जांच करके कार्रवाई की जाए, उन्हें जेल भेजा जाए। साथ ही इस मौके पर शाकिर अली, इरशाद भारती, सलीम बाबरी, अरमान मलिक सैफी, तकरीर अहमद, शाहिद अंसारी, असलम अंसारी, नौशाद अली एडवोकेट, कारी हासिम अली एवं आजिम अंसारी सहित अनेक पदाधिकारी मौजूद रहे।